किसी का आंखों के सामने टूटा आसियाना, तो किसी के आंखों के सामने ही ढह गए अरमान। सुल्तानपुर क्षेत्र में यहाँ चंबल कालीचीन नदी में आई उफान के चलते कुछ ऐसे ही भयानक दृश्य यहाँ देखने को मिले। वर्ष 2022 का यह माह हमेशा की तरह इस बार खुशियाँ नहीं लाया। जहाँ देखो वहाँ तबाही का मंजर स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति खुद बयां कर रहा था। जहाँ देखो दूर दूर तक यही हालत थी, किसी का घर टूटा हुआ, किसी का सामान बिखरा हुआ, तो कोई विलाप करता हुआ। कालीचीन और चंबल नदी में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने यहाँ सुल्तान पंचायत समिति क्षेत्र में दर्जनों गांवों को प्रभावित किया। कुल 850 से अधिक घर यहाँ टूट गए, बाढ़ में चपेट में आ गए और सैकड़ों परिवार यहाँ बेघर हो गए। दर्द की पीड़ा इस कदर थी कि सरकारी विद्यालयों में उन्हें आश्रय दिया गया। वहाँ पर पंचायत प्रशासन द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। हर किसी के यहाँ आंसू रुकते नहीं रुक रहे थे। सुल्तानपुर पंचायत समिति प्रधान कृष्णा शर्मा द्वारा यहाँ एक दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी। लगातार सुल्तानपुर पंचायत समिति प्रधान द्वारा जनता को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। लगातार 4 दिनों से जनता के बीच जाकर और बाढ़ग्रस्त परिवारों के साथ बैठकर उन्होंने उनकी पीड़ा को सुना। मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अवगत करवाया तो साथ में ही यहां पटवारियों के साथ ही प्रशासन से भी हर संभव प्रयास करते हुए हर पात्र व्यक्ति और हर बाढ़ पीड़ित को हर संभव सहायता राशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रशासन को उन्होंने यहाँ की हाल बताए तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष को भी मौका स्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान कृष्णा शर्मा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा सबसे पुनीत कार्य है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाएगी और इन्हें उनके स्थान से ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा ताकि दोबारा से ऐसी विवश स्थिति उत्पन्न न हो। इस मौके पर युवा मोर्चा के यहाँ उपाध्यक्ष राकेश सनाध्य, पंचायत समिति सदस्य प्रियंका कौशिक, हेमंत शर्मा, प्रेरणा गौतम, सरपंच मूलचंद गोचर, हेमंत पारेता, मानसिक कौशिक, चंद्र सनाध्य समेत कई मौजूद थे। लगातार 4 दिनों से प्रधान सक्रिय है। जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर वह उनकी पीड़ा सुन रही है।